हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई की जो नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसमें बताया गया है कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स रह गए थे वो अपने स्कूल से ही बोर्ड की परीक्षाएं दे पाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की पेंडिंग परीक्षाएँ स्टूडेंट्स के स्कूलों में ही आयोजित की जाएंगी। मंत्री ने कहा कि ऐसा करने से छात्रों को परीक्षा के लिए ज़्यादा यात्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं मार्च के महीने में बीच में ही रोकनी पड़ी थी। अब 10वीं और 12वीं बोर्ड की पेंडिंग परीक्षाएँ 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच फिर से आयोजित की जाएंगी। चल रही है मूल्यांकन की प्रक्रिया। रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 10वीं और 12वीं की पहले से ही हो चुकी परीक्षाओं की कॉपियों जांचने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये प्रक्रिया 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के 7 साल चलती रहेगी। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि बोर्ड का रिजल्ट जुलाई के अंत तक जारी किया जा सकता है। बोर्ड की परीक्षाएँ 15 जुलाई तक पूरी हो जाएंगी। परीक्षा केंद्रों के लिए बनाए गए हैं नियम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को परीक्षा केंद्रों पर साफ़ सफाई और स्वच्छता प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने की सलाह दी है ताकि किसी भी तरह से कोरोना वायरस न फैल सके। इस पर एमएचआरडी के मंत्री ने कहा कि सीबीएसई को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं और परीक्षा के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसमें जो निर्देश हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स को एक पारदर्शी बोतल में अपने लिए हैंड सैनिटाइज़र लाना होगा। सभी स्टूडेंट अपनी नाक और मुंह को कपड़े या मास्क से कवर करेंगे। सभी स्टूडेंट को शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अभिभावकों को अपने बच्चों को ज़रूरी सावधानियों के बारे में बताना होगा। अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बच्चा बीमार ना हो। परीक्षा देते समय सभी स्टूडेंट्स को जारी किए गए नियमों का कड़ी से पालन करना होगा। स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड में दिए गए सभी नियमों का पालन करना होगा। परीक्षा की समयावधि डेट शीट और एडमिट कार्ड में दी गई है। उत्तर पुस्तिका सुबह 10 बजे से 10:15 के बीच में बांटी जाएगी। प्रश्न पत्र सुबह 10:15 दिया जाएगा। सुबह 10:15 से 10:30 तक स्टूडेंट अपना प्रश्न पत्र पढ़ सकेंगे। सुबह 10:30 बजे से स्टूडेंट अपने उत्तर लिखने शुरू करेंगे। तो यह थी सीबीएसई की गाइडलाइंस जो आपको ज़रूर काम आएंगी।